हेलो गाइस, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सब देख सकते हो कि मैं आज खाने में क्या बनाने जा रही हूँ। ये है आलू, छोटे छोटे आलू हैं। इसका मैं बनाऊंगी मेथी आलू। अभी मैंने आलू को धोया है और इन्हें मैं कट कर रही हूँ। ये जो छोटे छोटे आलू होते हैं ना, ये मेथी आलू में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बड़े आलू में वो स्वाद नहीं होता जितना ये स्वाद छोटे आलू में होता है। इसलिए जब भी मैं मेथी आलू बनाती हूँ तब मैं छोटे आलू इस्तेमाल करती हूँ। आप सभी कमेंट करके बताना आप कौन से वाले आलू इस्तेमाल करते हैं, बड़े या छोटे। ठीक है, ये मेरे आलू हो गए सारे कट। और मैं मेथी को मैंने अभी काट के ये रखी हुई है मेथी। अब मैं इसे पानी में धोने जा रही हूँ। और आप लोग सोचोगे कि मैं इतने बड़े बर्तन में मेथी धो रही हूँ, वो क्या है ना गाइस, इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी होती है, किस किसी होती है। इसे है ना बड़े बर्तन में अच्छी तरह से हम पानी में से दो तीन बार अच्छे से ऐसे धोएंगे, फिर हम इसे चढ़ाएंगे अपने गैस पर। और आप सभी देख सकते हो ठंड में खाना बनाना कितना मुश्किल होता। पानी इतना ठंडा है कि उंगलियां तो बिल्कुल मेरी सुन्न हो जाती हैं। अब क्या करें, पेट के लिए खाना तो बनाना पड़ेगा, अपने लिए भी बस सभी के लिए क्या करना पड़ेगा। हम औरतों को ठंड हो या गर्मी हो पर लेकिन खाना तो हमें सभी के लिए बनाना पड़ता है। मैंने इसे दो बार धो लिया, अभी इसमें मैंने पानी डाला हो इसे अच्छे से। और गाइस मैं हमेशा मेथी आलू ये जो लोहे की जो कढ़ाई होती है बर्तन, मैं उसी में बनाती हूँ क्योंकि इसमें है ना बहुत स्वाद आता है उसमें बनाने से। अभी से हम धोए थे थोड़ा सा, देखो आलू थे छोटे से, इसे अच्छे से कट कर लिया दो दो पीसों में। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और अब ये जो मेथी है इसका पानी ऐसे निचोड़ निचोड़ के इसमें डालेंगे। बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत। क्या करें, हम औरत की जिंदगी तो ऐसी निकलती है, खाना बनाने में और सबको खवा लेंगे। ये हमारी मेथी, इसे अच्छे से निचोड़ देंगे क्योंकि ये ना फिर भी पानी छोड़ती है। इसे निचोड़ देती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी इसमें रह ही जाता है, तो पानी बहुत ठंडा है ना। अब ये मेरी मेथी, मैंने इसे निचोड़ लिया। अब मैं इसे गैस पे रखने जा रही हूँ। देखो अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, तो ऐसा ना ये अभी ऊपर से फूली फूली सी है ना, तो इसे इसमें जब नमक डाल दूंगी ना तो थोड़ा कम ज़्यादा नमक हो जाएगा, पता नहीं चलता, थोड़ा अंदाजा। अब ये जब ये मेथी थोड़ी सी इसमें भाप में गल जाएगी, मिल जाएगी आलू, फिर मैं इसमें नमक डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। हाँ मैं इसे ढक देती हूँ। अब ये कम से कम कच्चे आलू हैं तो 15-20 मिनट तो बनने में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये मेथी आलू जो मैंने कढ़ाई थे उबालने के लिए, अब हमारे बन गए। और उसके बाद इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं डाला, जबकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था, फिर भी मेथी है ना पानी बहुत छोड़ता है।
और अब हम गैस करेंगे ऑन और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल शुद्ध तेल। जैसा कि आप देख सकते हैं जब तक ये हमारी सब्जी गैस पे मैंने रखी थी, जैसा कि सब्जी मैंने कढ़ाई पर बंद कढ़ाई थी और ये हमारी बन गई है। अभी इसे हम तेल में, ये है हमारी आपको लहसुन और ये है हरी मिर्च और हम इसे तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये बने तब तक मैंने ये लहसुन छील लिया था और ये हरी मिर्च भी काट कर रख ली थी और जैसा कि आप देख सकते हो और हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का अपना अलग ही स्वाद होता है सब्जी में। आप कोई भी सब्जी बनाओ किसी भी सब्जी में आप हींग डालोगे तो अच्छा होता है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन जो मैंने काट करके रख लिया था। मुझे लहसुन कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, मैं सभी सब्जियों में लहसुन नहीं डालती हूँ और मैं बस जैसे पालक साग वगैरह बनाती हूँ या मेथी आलू बनाती हूँ तभी इस्तेमाल करती हूँ और मैं और सब्जियों में नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं आती। आप देख सकते हो हमारा लहसुन मिल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद ये क्या रखा हुआ है, तो गाइस ये रखी हुई है मूली। मैं ये मूली लाई थी सब्जी बनाने के लिए पर लेकिन मैंने सोचा सब्जी को मैं फिर किसी दिन बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी इस मूली का अच्छा। अब जब बनाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी मैंने कैसे बनाया। अभी अभी हमारा जब तक लहसुन अच्छी तरह से लाल नहीं हो जाता तब तक हम ये हरी मिर्च नहीं डालेंगे। नमक मैंने इसमें डाल दिया था, आपको दिखाया नहीं था। देख सकते हो हमारा ये लहसुन लाल हो रहा है थोड़ा थोड़ा और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हमारी हरी मिर्च हरी मिर्च भून जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं डालूंगी सब आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कलर के लिए, मैं हल्दी नहीं डालती इसमें ना ही मैं धनिया डालती हूँ। मेरी ये मेथी आलू की सब्जी सिर्फ नमक मेथी हरी मेथी और आलू और लहसुन हरी मिर्च हींग और बस ये थोड़ी सी कलर के लिए मैं 2 चम्मच सिर्फ लाल मिर्च डालूंगी बस। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये मेथी और हम इसे अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे भून लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, देखो और मैं भी दाल भी बनाऊंगी और बट मैं दाल की वीडियो नहीं डालूंगी, दाल की वीडियो मैं बाद में डालूंगी फिर वीडियो बहुत लंबी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी तक फिलहाल मैं आपको ये मेथी आलू की रेसिपी आपको बता रही हूँ। बस 5 मिनट और अच्छे से फ्राई हो जाओ फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद और हमारी मेथी आलू की सब्जी हो जाएगी तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गैस को थोड़ा स्लो कर रखा है और आप सब मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में मेथी आलू की सब्जी कैसे बनाते हो
मैं तो भाई इसी तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बताते हैं वो कमेंट करके जरूर जरूर मुझे बताना। और अब मेरी मेथी आलू की सब्जी हो चुकी है तैयार, हमने गैस कर देती बंद। पर आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्या कहूँ, भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा। आ गया, बाय बाय।